जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में एक ऐसे स्टॉक के ऊपर स्टडी करने वाले हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5% डिस्काउंट पर मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है, ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त कंपनी है एंड स्टॉक का नाम है BLS इंटरनेशनल। इस स्टॉक के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। ऑल्सो पिछले दिनों जिन स्टॉक्स पर स्टडी की थी उसका अपडेट लेंगे। ऑल्सो मैंने अपने पर्सनली पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस किए हैं वो भी अपडेट आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पूरी कोशिश होती है कि सपोज अगर आप एक बिगनर हैं एंड आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है एंड बेसिक चीज़ें मतलब बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं कंपनी के वो कैसे चेक करने हैं, चार्ट पैटर्न्स पे बेसिक सिंपल तरह से कैसे लाइन्स ड्रॉ करके लेवल्स निकालना होता है वो अगर आपको जानना और समझना है तो ये स्टडीज जो है वो आपके लिए है। तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन से वो स्टॉक है जो नई तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं एंड इसकी कुछ जानकारी आपको मेरे यहाँ पे सेल्फ पोर्टफोलियो में भी दिखेगी जिसके बदलाव आपको मैच होते हुए दिखेंगे। कौन से स्टॉक है जहाँ पे नई तेजी की तैयारी हो रही है वो है एलेम्बिक लिमिटेड। 75.1 इसको हिट किया है, इसके ऊपर कुछ दिन लगातार बंद होगा, अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। फिर हीरो मोटोकॉप 2875, फिर ग्लेनमार्क 395.6 को छुआ है, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। इसके ऊपर बंद होगा तो अच्छी तेजी देखने मिलेगी। नेक्स्ट कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने ब्रेकआउट होने के बाद अपनी पहली रुकावट या पहला रेजिस्टेंस बोलो उसको छू लिया है। रूट मोबाइल 1560, फिर IEX 175। कल की स्टडी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता आपको जानकारी होगी, मैंने खुद IEX खरीदा है 167 के लेवल्स पे। अब अंबुजा 400 हिट हो गया है, मैक्स वेंचर्स लिमिटेड 120, IEX 175। अच्छा और एक चीज़, IEX मैंने अभी तक बेचा नहीं है। नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है जो ब्रेकआउट हो गया, पहला रेजिस्टेंस भी छू लिया, अब दूसरा रेजिस्टेंस को भी छू लिया है, वो जुबिलेंट फूड 600 रुपये। और कौन से दो स्टॉक है जहाँ पे चमत्कार हो गया, जादू हो गया, जादू हुआ है यहाँ पे, टेगा इंडस्ट्रीज 504 का जो ब्रेकआउट था पिछले सेशन में ही हो गया एंड पहली जो रुकावट थी पहला रेजिस्टेंस 525 उसको भी हिट कर लिया है। ये दोनों चीज़ एक ही सेशन में हुई है अलग मुझे पता नहीं बट हुई ज़रूर है। फिर फिनोलेक्स केबल जो मैं पर्सनली होल्ड कर रहा था कल के सेशन में एक ही सेशन में 445 और 465 दोनों ये रेजिस्टेंस जो थे दोनों को हिट किया है। इनफैक्ट 465 का ही रेजिस्टेंस था दूसरा, उसी को छू के कल के सेशन में स्टॉक नीचे आया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब मैंने अपने पोर्टफोलियो में कौन से बदलाव किए, जैसे अभी हमने देखा फिनोलेक्स केबल 465 हिट किया है, तो मेरे पास जो होल्डिंग थी 465 के आसपास जो मैंने है कल मैंने बेच दी है, 46 शेयर्स थे मेरे पास मैंने बेच दिए है। एंड आज मैंने लेटेस्ट में क्या खरीदा है मैं आपको बता दूं, वो है दौलत एल्गोटेक 141 शेयर्स मैंने बाय किए हैं 70.60 के भाव पे एंड एलिम्बिक लिमिटेड के 75.25 के भाव पे 132 शेयर्स ये मैंने पर्सनली अपने अकाउंट में खरीदे हैं। एंड ये मैं शेयर आपके साथ इसलिए करता हूँ क्योंकि सीधी सी बात अगर जिस स्टडीज को मैं फॉलो करके मतलब मार्केट में अपने डिसीजंस ले रहा हूँ सीधी सी बात है वो आपके साथ भी मैं स्टडीज पेश कर रहा हूँ, तो ये एज अ डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अब स्टडी शुरू करते हैं। BLS इंटरनेशनल एक कंपनी सबसे पहले करती क्या है समझ लेते हैं। देखिए BLS इंटरनेशनल इज अ पार्ट ऑफ 4 decades ओल्ड BLS ग्रुप, 4 दशकों पुराना जो BLS ग्रुप है उसका हिस्सा है। ग्लोबल प्रेजेंस मतलब दुनिया भर में इनकी प्रेजेंस है, डाइवर्सिफाइड रेंज अलग अलग तरह की सुविधाएं देते हैं एंड टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में आते हैं। किसमें, वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में एंड इनकी जो प्रेजेंस है वीजा में है, पासपोर्ट, कॉन्सुलर, फिर सिटीजन सर्विसेज है तकरीबन 62 देशों में और 36 सरकार के साथ काम करते हैं, 36 गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं इनके एंड प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू 2325 ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड, 2325 इनके ऑफिसेस हैं दुनिया भर में। अब फंडामेंटल देखो, मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास, स्टॉक की पी 41, 52 वीक लो 71 रुपीज़ और 52 वीक हाई 258 रुपये। अब कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है वो अगर जानना है तो पिछले 3-4 क्वार्टर के नंबर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कंपनी क्या कर रही है। तो सितंबर 2021 से जून 2022 इतने नंबर्स देख लेंगे, बहुत है सारे नंबर्स यहाँ पे जो लिखे करोड़ में है एंड हमको क्या देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, ये 4 चीज देखनी है। तो देखिए सितंबर में कितना था, 28 करोड़, दिसंबर में फिर से हो गया 26 करोड़ हल्की गिरावट, फिर मार्च में बढ़त 35 करोड़ एंड जून में फिर से हल्की सी गिरावट 32 करोड़, मतलब नंबर जो है स्टेबल है, कोई भारी उठापटक नहीं है। फिर आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 28, 27, फिर 37, फिर 32, स्टेबल यहाँ पे फिर से। फिर नेट प्रॉफिट देखिए 27, 28, 35 और 30, फिर से स्टेबिलिटी। नेक्स्ट EPS 1.34, 1.38, उछाल 1.73, फिर से गिरावट 1.49, तो नंबर्स काफ़ी स्टेबल है। नेक्स्ट बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट में क्या देखना है, कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, कर्ज कितना है और कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। तो रिजर्व्स अगर हम देखें ना तो मार्च 2022 में भी है 560 करोड़, देखिए 2015 में 73 करोड़ थे, तो जो
रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी के पास कर्जा कितना है, कंपनी ऑल टाइम लो तो नहीं, लो वन था बट 5 करोड़ का सिर्फ कर्ज है, तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसके सामने, मान लो कंपनी कर्ज मुक्त है। एंड कंपनी के पास जो एसेट्स है वो कितने हैं, एसेट्स जो है वो है तकरीबन 633 करोड़ के, वो भी अगर हम चेक करें तो मार्च 2015 के बाद से ऑल टाइम हाई पे है। आगे बढ़ेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें क्या समझ में आता है, प्रमोटर 74.59, फिर विदेशी संस्था है 4.32, घरेलू संस्थाओं को कोई इंटरेस्ट है नहीं, पब्लिक के पास 21.06 और अदर्स के पास 0.03। जो हाईलाइट है वो है FIS की होल्डिंग 1.36 पिछले साल पिछले क्वार्टर में था, दैट इज मार्च क्वार्टर, अभी जून में हो गया 4.32, अचानक से यहाँ पे बढ़त आई है, तो ये एक बड़ी बात है, मतलब ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो गई है, मतलब 2x या 3x मान लो इसके आसपास FIS की होल्डिंग हो गई है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो फंडामेंटली बढ़िया कंपनी, क्या समझ में आया, 5-4 दशक पुराना BLS ग्रुप है, उसका हिस्सा है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, क्वार्टरली नंबर्स टेबल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व्स और एसेट जो है ऑल टाइम हाई पे है, सिर्फ 5 करोड़ का कर्ज है, कर्ज को इग्नोर कर सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग 74.59 बढ़िया है, विदेशी संस्थाओं 4.4% के आसपास होल्ड करते हैं जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले दुगनी या तिगनी हो गई है, एंड पब्लिक के पास अच्छा 21% का होल्डिंग है। अभी हम चार्ट पैटर्न्स पे स्टडी करेंगे कि यहाँ पर जो है हो क्या रहा है, एंड हो ये रहा है, सबसे पहले देखिए एक बेसिक लाइन ड्रॉ करूंगा, समझ में आ जाएगा स्टॉक का, अच्छा वाला यहाँ पर हो गया ब्रेकआउट, एंड ये जो ब्रेकआउट का लेवल था वहीं पर देखिए स्टॉक में जब गिरावट हुई तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, सपोर्ट लेकर उछल गया। अब जो उछला वो उछला कुछ इस तरह से, देखिए एक ही पैरेलल चैनल में लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो इसको मैं कर देता हूँ सेट, ये देखिए समझने में होगी आसानी, सरल मैनर में सीखना और समझना है, देखिए ब्रेकआउट हुआ फिर ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया, तो वही लाइन जो थी हरी वाली देखिए लाइन, उसी का सपोर्ट लिया और एक ही पैरेलल चैनल में लगातार जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है, ये मिस नहीं कर रहा है। अब स्टॉक जो है कर क्या रहा है, स्टॉक कर रहा है सिर्फ एक चीज़ और वो है ये एक ऑल टाइम हाई जो लगाया था हाईएस्ट क्लोजिंग, और यहाँ पर आने के बाद एक रेंज में फंस गया है, एंड जो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है ना वो स्टॉक के लिए ऊपर की तरफ रुकावट बन गई है, एंड द लेवल इज वो मैं लिख दूँ, इसके ऊपर बंद होगा तब बड़ी तेजी देखने मिलेगी, और वो है 257, जो मैंने कहा था ना 5% डिस्काउंट पर मिल रहा है ऑल टाइम हाई से, वो है ये, तो 257 अब तक की ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है, इस पर ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है, ये 257 का इंपॉर्टेंस क्या है, जब जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा 257 के पास जब भी आएगा ना तो स्टॉक में रुकावट देखने मिलेगी, दबाव देखने मिलेगा, बिकवाली देखने मिलेगी, तो ऑल द ट्रेडर्स जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है वो है 257, एंड उन्हीं ट्रेडर्स के लिए नीचे की तरफ कौन सा वो लेवल है, इनकेस अगर टूट गया ना तो नुकसान बढ़ जाएगा, वो है ये 230 रुपये का, पिछले कुछ दिनों से 230 रुपये जो है वो सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग है, कमजोर क्लोजिंग है, वहां से स्टॉक जो है घुमा है ऊपर की तरफ आया, तो ट्रेडर्स की रेंज बन गई नीचे की तरफ 230, ऊपर की तरफ 257। अब सपोज तेजी बनती है स्टॉक में 257 जो है उसको तोड़कर उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, उसके ऊपर लगातार कुछ दिन बंद करता है, तो आने वाले कुछ महीनों में जो लेवल बताऊंगा थोड़े दूर के लगेंगे, बट हाँ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक, कहाँ पे जा सकता है वो है सीधा 280-305 इस रेंज में आराम से स्टॉक जा सकता है, यहाँ पे जाके बैठ सकता है, इसमें अगला जो है कंसोलिडेशन हो सकता है, अगली रेंज जो है ये समझ में आती है, शर्त क्या है 257 के ऊपर लगातार कुछ दिन बंद होगा। तो अब करेक्शन जो है मार्केट का हिस्सा है, एंड सभी स्टॉक्स जो है उसमें हिस्सा लेते हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स भी गिरते हैं, तो ये स्टॉक्स भी जो है जब करेक्शन होगा तब गिरेगा, एंड किसी को लंबी अवधि के लिए तब लेना है तो 200 रुपये एंड 150 रुपये इसके आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या लेवल्स अगर समझ में नहीं आते हैं तो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से हर महीने थोड़े थोड़े शेयर्स ले सकते हैं, 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर जितनी भी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको फाइनेंशियल मतलब प्लानिंग के हिसाब से मतलब समझ में आता है आप जो है ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स जो स्टडी आपके सामने पेश की है पसंद आई है तो स्टडी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड ऐसी बेसिक सिंपल और सरल इन्फॉर्मेटिव स्टडी अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप चाहते हैं मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर स्टडी करूँ, स्टडी आपके सामने पेश करूँ, तो स्टॉक का नाम जो है कॉमेंट सेक्शन में मैंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड स्टॉक मार्केट में ना कोई भी पोजीशन आप बनाते हो तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 3 डिसीजंस आपको ले लेने हैं, 3 निर्णय आपको ले लेने हैं, और वो निर्णय क्या है डिसीजंस क्या है, सबसे पहले तो आप उस स्टॉक को बाय करके कितने समय के लिए होल्ड करोगे, दूसरा जो डिसीजन है वो है कौन सा वो लेवल है यानी कि टारगेट ऊपर की तरफ अगर स्टॉक उसको हिट करता है तो आप बेच दोगे,
नीचे की तरफ अगर स्टॉक जाता है तो कौन सा लेवल है, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप एग्जिट कर लोगे। तो ये तीनों चीज़ों जो है वो प्लान होनी चाहिए वेल इन एडवांस किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले। एंड तीनों में से जो चीज़ पहले हिट होगी या ट्रिगर होगी आपको उसको फॉलो करके निकल जाना है, क्योंकि पैसे आपके हैं, कैपिटल आपका है, एंड उन पैसों की जो है आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, एंड स्टडी आपके सामने पेश करने का मोटिव से सिंपल है, सो दैट आप सारी चीज़ों को सीख सको, समझ सको, अपने खुद की जो वर्किंग है उसमें अप्लाई कर सको, एंड जो है आपका काम करना जो है मार्केट में थोड़ा सा इजी हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। जो एकदम बिगनर लेवल होता है, शुरुआत का जो मतलब काम होता है ना, वो आप धीरे धीरे करके सीखना जो है शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, ये है अपडेट, ये है स्टडी BLS इंटरनेशनल के बारे में। आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में मैंशन ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया स्टडी देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।